بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और मेरे बताए हुए नुस्खों से माजूरों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले रहे होंगे और इंशाल्लाह ताला लोगों को आज ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आप पुछवा भी रहे होंगे। आप कहते रहते हैं कि हकीम साहब कुछ ज़बरदस्त नुस्खा हमको बताएं, कुछ ऐसा नुस्खा बताएं जो आने वाले टाइम तक कोई प्रॉब्लम ना हो और लाइफ टाइम तक हमारा सेक्स बरकरार रहे। तो इसी के ताल्लुक से मैं एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ। ये नुस्खा उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं कि हकीम साहब जाने से पहले रखने से पहले काम फारिग हो जाता है और जैसे मन में कोई विचार लाते हैं खड़ा होता है और खड़ा होने से पहले ही लूजिंग होनी चालू हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को देखने मिलती है, बोलते हैं कि इससे इस प्रॉब्लम से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा हम टेंशन में रहते हैं। तो उन लोगों को आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा बहुत ज़बरदस्त मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ। आप एक काम करें, आप तुरंत कॉपी पेन आप लें, नोट करें, ये नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त ये नुस्खा है। आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन आपने उठा लिया होगा, आपको करना क्या है, आप जल्द से जल्द मेरा ये नुस्खा लिखें। आपको 10-10 ग्राम हर चीज़ आपको लानी है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा फाड़ू नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। आपको करना क्या है, आपको लेना है 10 ग्राम बड़का दूध, 10 ग्राम बड़का दूध आपको ले लेना है। बस ध्यान ये रहे सब चीज़ अच्छी और ओरिजिनल होनी चाहिए। फिर आपको लेना है काली मूसली 10 ग्राम, फिर लेना है बिधारी गंध 10 ग्राम, फिर लेना है बहमन गंध 10 ग्राम, फिर आपको लेना है सफ़ेद मूसली 10 ग्राम, फिर लेना है सिंगाड़ा खुश्क 10 ग्राम, फिर लेना है अकरकरा 10 ग्राम, फिर आसबंदा नागौरी 10 ग्राम, फिर आपको लेना है गोंद वो भी आपको 10 ग्राम। ये सारी चीज़ आपको ले लेनी है, आपने लिख लिया ही होगा कॉफ़ी पेन में, या आप जाएँ पंसारी से आप ओरिजिनल लें और इसको आपस में कोट लें, यानी मिक्सी में या पीस लें या कोट लें, कोट लें तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। और इसको गाय के दूध से सुबह शाम अगर गाय का दूध ना हो तो आप भैंस का दूध भी पी सकते हैं। ध्यान रहे गाय के दूध से आप सुबह शाम एक एक गिलास और एक एक चम्मच इसको ले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पहल की रात ही आपको ऐसा असर दिखाई दे जाएगा, तुम कहोगे हाँ किम साहब ने कुछ नुस्खा हमको बता दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही फाड़ू है, बहुत ही बेहतरीन ही आपको मैंने नुस्खा बता दिया है। हालांकि हकीम मरने को मर जाता मगर अपना पर्सनल नुस्खा नहीं बताते, हमारे यहाँ हर चीज़ बताई जाती है, हर नुस्खा बताया जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा यहाँ पर बताए जाते हैं। जितने ओरिजिनल नुस्खे होते हैं सबका यहाँ पर यानी प्रचार होता है, यानी सबको यहाँ पर हेल्प मिलती है और सबको बताया जाता है। आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बातों में सच्चाई लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी ज़रूर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, जहाँ भी रहें बहुत अच्छे रहें, बहुत खुश रहें, अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहें।